Welcome again. In the previous lecture, we learned about the concept of electric field, intensity of electric field, direction of electric field, and the concept of test charge and point charge. Electric field means the field around a charge in which another charge experiences a force, and it's another way to explain the electric force between two charges. The strength of electric field due to a charge plus Q1 at a distance r is given by KQ1 upon r square. It is the expression of electric field. What does it mean? इसका मीनिंग ये है कि जब कभी यहां पे आप चार्ज प्लस वन रखोगे तो प्लस वन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां हमने प्लस वन शो नहीं कर रखा, पर अंडरस्टूड है कि यहां कभी भी प्लस वन रखा जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो ई है। आप इसको इस डायग्राम से शो कर सकते हैं, Q1 एट ए डिस्टेंस आर, और इस पॉइंट पे हमने चार्ज प्लस वन रखा हुआ है, तो प्लस वन पे कूलम्स फोर्स के इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट इज क्यू वन इंटू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड वी गेट द सेम एक्सप्रेशन। यू कैन सी दिस फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कूलम्स फोर्स। Intensity is just the force experienced by unit positive test charge. This charge is small enough and doesn't disturb the field produced by the charge plus Q1. Electric field कोई different concept नहीं है, intensity कुछ अलग नहीं है। यहां पे plus one रखेंगे तो इतना force experience करेगा, और इसी force को हम intensity बोलते हैं। अगर यहां charge कुछ और रख दें, ये Q1 और ER डिस्टेंस, अब हमें पहले से पता है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी E है, तो इसका मतलब ये है कि यहां प्लस वन रखने पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो E है, और अगर प्लस टू रख दें तो 2E, पर मैं अगर यहां पे एक चार्ज रख दूं Q2, तो आप इस फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी E है, और E means force experienced by unit positive test charge. तो unit charge जो force experience करेगा वो E. तो 2 unit 2E और Q2 unit Q2E. तो it is simple way to express the Coulomb's law in terms of intensity of electric field. ये Coulomb's law से different नहीं है, आप Coulomb's law का expression इसी से निकाल सकते हैं, Q2 multiplied by E. E means intensity of electric field at this point P, and it is predefined E equal to KQ1 by R square. So multiplied by KQ1 upon R square, we get the same expression of Coulomb's law. तो कुछ भी नहीं, अगर आपको Q1 चार्ज की इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो आप Q2 को 1 ले लें, प्लस 1. तो प्लस 1 का जो फोर्स वो बेसिकली इंटेंसिटी होगी। अब अपने बात करते हैं डायरेक्शन की। अब देखिए, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां हमेशा ही हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव का रखेंगे। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो फील्ड जो है वो प्लस चार्ज का आउटवर्ड होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। पर अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है फिर भी हम टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव का रखेंगे, उस सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स नेगेटिव का इनवर्ड, तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो इतनी चीजें हमने कैलकुलेट की थी कि ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस आर, इंटेंसिटी विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज गिवन बाय KQ अपॉन आर स्क्वायर। इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विल बी इनवर्ड एंड KQ अपॉन आर स्क्वायर। इन ब्रीफ, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज विल बी टूवर्ड्स द चार्ज। It is the simplest concept of Coulomb's law. Now next topic, the intensity of electric field due to a group of point charges. That is, find out electric field at a given point of the space produced by
two or more than two charges. So let us consider these are lot of point charges q1 plus q2 minus q3 and plus qn. Then find out resultant electric field at this given point P of the space due to all these charges. So each charge produces its intensity at this point P. Now the intensity at P due to all these charges will be equal to the vector sum, and it is analogous to the principle of superposition. We know that the intensity due to positive charge at the given point will be in outward direction. So it is electric field due to this charge in outward direction E1 vector due to Q2 along the line joining in outward direction E2 vector due to minus Q3. So it is negative charge. So intensity due to negative charge will be towards the charge, and it is direction of third charge toward the charge. And for due to nth charge Qn away from the charge. So electric field due to Qn plus Qn will be in outward direction, En vector. So resultant intensity at P will be the vector sum of all the intensities, individual intensities produced by the individual discrete charges, point charges. So electric field at P will be equal to E1 vector plus E2 vector dash dash En vector. Now a simple problem based on this concept. Let us consider an equilateral triangle of side small a and two positive charges each of magnitude plus q are placed on the two corners of the triangle. Then find out resultant intensity of electric field at third corner of the triangle. Now intensity at P will be due to these two charges, and resultant at this point P will be the vector sum of two intensities due to plus Q in outward direction, and let it is even, and magnitude will be KQ upon A square, and due to other charge along the line joining in outward direction, and it is E2, and magnitude of this electric field will be also KQ upon A square. Now find out total electric field at P. Total means sum, but electric field is a vector quantity. So resultant electric field will be equal to the vector sum of two intensities, and magnitude of sum of two vectors is given by under root of E1 square E2 square plus 2 E1 E2 cos theta, where E1 is equal to E2. E1 is equal to E2 equal to KQ upon A square and theta. Theta means angle between the directions of two fields E1 and E2. This angle is exactly equal to vertically opposite, and it is equal to 60 degree, because each angle of an equilateral triangle is equal to 60 degree. So theta is equal to 60 degree and cos 60 1 by 2. After solving E1 square, but E2 is also equal to E1. 2 E1, E2 means E1 and cos 60 means half. After solving under root 3 of E1. So resultant or net electric field at the third corner due to the other two charges is under root 3 KQ by R square. It is magnitude. And direction of this electric field, so draw a parallelogram. It is resultant electric field E, and these two intensities are equal in magnitude, so net electric field will be 30 degree. We can calculate using the formula of tan phi. If this angle is phi, then according to the expression of tan phi, E1 E2 sin 60 plus E2 cos 60, but E2 is equal to E1 sin 60 root 3 by 2 divided by E1 plus E2 means E1 and cos 60 means 1 by 2. After solving
इट इज 1 बाई रूट थ्री, टेन फाइव इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री, इट मीन्स फाइव इक्वल टू 30 डिग्री. तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट गिवन पॉइंट ऑफ द स्पेस. इफ द सेम टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर. तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन E1 and its magnitude is given by same KQ upon R square. But due to this negative charge, so due to negative charge, electric field will be towards the charge. Now electric field is towards the charge and it is E2. Now find out total magnetic field at the given point P. So 120 degree, because this angle is equal to 60 degree. Then outer angle is 120. Now theta is equal to 120. And cos 120 degree equal to minus half. Now this expression becomes minus half. So under root of E1 square plus E1 square minus E1 square. Ye dono cancel out. It becomes equal to E1. That is net electric field is equal to KQ upon E1 means KQ upon A square. आपसे पूछे कि डायरेक्शन, तो यहां पैरेललोग्राम बनाइए एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इट्स डायगोनल एंड इट इज ई एट एंगल विद ईच डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. सो यू कैन फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू टू और मोर देन टू चार्जेस. फॉर होमवर्क फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट this corner of the square of side A, and there are three similar charges each of magnitude plus Q at the three corners of the square. Find out net electric field, resultant electric field at this point P, fourth corner of the square. Next problem, find a point between two similar charges where resultant electric field is zero. ये problem अपने Coulomb's law में कर चुके हैं पहले. ये दोनों चार्जेस सिमिलर है, सिमिलर मीन्स दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है. तो फाइंड आउट ए पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. और रिजल्टेंट फील्ड जीरो कब होगा? जब दोनों चार्जेस का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो इस सिचुएशन हमने पहले देखा है कि ये सिचुएशन दोनों चार्जेस के बीच में आएगी, बाहर नहीं आएगी. तो लेट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज एट दिस पॉइंट पी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 तो अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इट इज E1, एंड ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस Q2 एट पॉइंट P, तो एट दिस पॉइंट P अवे फ्रॉम दिस चार्ज दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो फील्ड ड्यू टू द सेकेंड चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन. यू कैन सी दीज टू डायरेक्शन आर अपोजिट. इफ मैग्निट्यूड्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, देन the net electric field at P will be zero. And the separation between the charges is same A, and distance from second charge is A minus X. So at P, let net electric field at P is zero. And it is possible only when the two fields are equal in magnitude. Direction wise opposite hai. Agar magnitudes equal hon, तो ये फील्ड यहां पे जीरो होगा. तो E1 मींस K Q1 अपॉन X स्क्वायर, Q चार्ज X डिस्टेंस K Q अपॉन X स्क्वायर, एंड फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज तो K Q2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस व्हिच इज A माइनस X एंड होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग रूट Q1 बाय X रूट Q2 बाय A minus X, that is taking square root. After solving the value of X, A under root of Q2 by Q1 plus 1. ये वही expression जो हमने पहले किया हुआ है. अब आपको ऐसे दे दिया इसमें कि two charges are plus 4E and plus 9E. Find out a point where resultant electric field is zero.
तो लेट दिस पॉइंट इज पी एंड एट अ डिस्टेंस एक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. देन क्यू वन इज इक्वल टू फोर ई, क्यू टू इक्वल टू नाइन ई एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज दैट 12 सेंटीमीटर. तो दैट पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस एक्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 12 क्यू टू बाई क्यू वन 9e डिवाइडेड बाई 4e स्क्वायर रूट प्लस 1 एंड 12 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 5 बाई 2 5 इंटू 2 बाई 5 24 बाई 5 दैट इज 4.8 सेंटीमीटर. तो ये वही सेम प्रॉब्लम्स है, आप इनको सोल्व कर सकते हो. अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा, आउटसाइड द चार्जेस एंड क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज. इन द नेक्स्ट सेगमेंट इफ दीज टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, इफ दीज टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, लेट इट इज माइनस क्यू वन एंड सेकेंड चार्ज इज क्यू टू. इस सिचुएशन में वो पॉइंट है वो चार्जेस के बीच में नहीं होगा, बाहर होगा, और बाहर किसके क्लोज होगा, स्मॉलर चार्ज के. तो आपको यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज छोटा आपका. तो अब वो गिवन है कि लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू वन इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू टू. नाउ द चार्ज माइनस क्यू वन इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल लाई क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. तो इन दिस सिचुएशन एट दिस पॉइंट पी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस विल बी जीरो. तो ड्यू टू माइनस चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज ई वन लेट एट इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स एंड ड्यू टू प्लस क्यू टू अवे. तो इस सिचुएशन में आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर सेम वही आएगा, एक्स इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू टू बाई क्यू वन प्लस वन. इफ सेकेंड सिचुएशन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज इज ग्रेटर देन द प्लस क्यू टू, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज बिगर देन द पॉजिटिव चार्ज. इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो छोटे चार्ज के क्लोज होगा, तो वो पॉइंट इस सिचुएशन इस तरफ आएगा यहां पे. एंड लेट इट इज डिस्टेंस एक्स एंड ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी अवे फ्रॉम द चार्ज दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड लेट इट इज ई टू एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट पी. तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी दैट इज टूवर्ड्स द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू वन इज टूवर्ड्स द चार्ज ई वन. इफ ई वन इक्वल टू ई टू देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी विल बी जीरो एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस डिस्टेंस विल बी Q1 अपॉन Q2. जिस चार्ज से अपने डिस्टेंस लेते हैं वो नीचे आता है. देखिए यहां डिस्टेंस Q1 से हमने लिया है तो अपॉन Q1, और यहां डिस्टेंस हम Q2 से लेंगे तो अपॉन Q2 और प्लस 1. सो इस सिचुएशन में ये डिस्टेंस जो है वो हम माइनस लेते हैं, आफ्टर सॉल्विंग डिस्टेंस माइनस आएगा और ये डिस्टेंस भी यहां पे माइनस होगा. तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, देर आर फोर चार्जेस each of magnitude plus q placed at the four corners of a square of side small a. Now find out net electric field at the center of the square. So electric field due to this charge placed at corner a at center o, o means it is the intersection of the two diagonals, is center point. So due to this charge plus q at o away from the charge, it is ea. And due to this charge at B this point away from the charge EB. Due to third charge at C away from the charge at O. Due to plus Q at O away from the charge that is in outward direction EC. And last fourth charge D placed at D in outward direction it is ED. You can see the magnitude of electric field of four charges is magnitude wise equal to kq upon square of distance between
चार्जेस एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देखिए इन सभी चार्जेस में ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर मैं ये डिस्टेंस कहूं एक्स, तो ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, और स्क्वायर में सेंटर तक का डिस्टेंस होगा साइड अपॉन रूट टू, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दीज फोर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट द टू पेयर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स फील्ड्स दैट इज ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर प्लस ई सी वैक्टर और प्लस ई डी वैक्टर। सिंस ई ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई सी वैक्टर एंड ई बी वैक्टर इक्वल टू माइनस ई डी वैक्टर एंड रेस्ट ऑफ टू ई सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर। तो दीज फोर टर्म्स आर कैंसल आउट इच अदर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। जब भी सिमिट्री होगी, कोई भी ज्योमेट्री है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके सेंटर पे फील्ड जीरो होगा, स्क्वायर सेंटर पे फील्ड जीरो होगा, पर इनमें से एक भी चार्ज को हम अगर नेगेटिव कर दें तो फिर जीरो नहीं होगा। जैसे मैं ये चार्ज अगर मैं नेगेटिव कर देता हूं, तो इस सिचुएशन में नेगेटिव का फील्ड जो होगा वो इसी तरफ हो जाएगा, ई ए और ई सी सेम डायरेक्शन में होंगे, फिर फील्ड जीरो नहीं होगा। यानी ये चार्ज अगर मैं ले लेता हूं, इस चार्ज को नेगेटिव, सपोज दैट इट इज माइनस क्यू, इस सिचुएशन में ए का जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड नहीं होगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट पी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी ई ए। तो आप देखेंगे इसमें ये दोनों अभी भी अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस इज जीरो बट दीज टू फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक चार्ज नेगेटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई सी, दोनों सेम डायरेक्शन है, आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं। एंड ड्यू टू ए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ड्यू टू सी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इट इज टू के क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू दैट इज ए स्क्वायर बाई टू, तो आंसर होगा 4 KQ अपॉन ए स्क्वायर। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव कर दूं तो इस सिचुएशन में फील्ड जो है वो फिर जीरो हो जाएगा। ये कैसे होगा कि अगर ये चार्ज मैं इस चार्ज को कर देता हूं नेगेटिव, आप इस सिचुएशन देखिए, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस ए एट ओ टूवर्ड्स ओ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, सी इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नाउ ई सी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो आप देखिए यहां पे ई और ई सी दोबारा से फिर अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो फिर फील्ड जीरो होगा। अब एक चार्ज को मैं अगर और नेगेटिव कर दूं, फिर फील्ड जीरो नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों का फील्ड जीरो है, पर अगर मैं ये चार्ज नेगेटिव कर दूं माइनस क्यू, तो देखो ये दोनों तो वही रहेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट ओ अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो आप देखेंगे माइनस क्यू का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा और वो होगा आपका ई बी। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों को ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आप इसमें ट्राइंगल के लिए कीजिए, फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका आंसर भी जीरो आएगा, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अब हेक्सागन, पेंटागन, आप कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री है, आप उसके लिए अगर कॉर्नर्स पे सिमिलर चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का रख देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे हमेशा जीरो आएगा। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.8 पेज नंबर 46, टू चार्जेस 3 μC एंड -3 μC आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 20 cm एंड फाइंड आउट पार्ट ए फाइंड आउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द सिस्टम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलोंग ओ बी एंड दिस चार्ज इज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ओ बी डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी ई ए प्लस ई बी। सिंस ओ इज मिड पॉइंट एंड टोटल डिस्टेंस इज 20 cm, मीन्स डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ
इज 10 सेंटीमीटर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इट इज 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर. देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम दैट इज 3 10 रेस टू माइनस 6 कूलम एंड डिस्टेंस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर. पुट दीज वैल्यूज 2 9 10 रेस टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 10 रेस टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ 0.1. आफ्टर सॉल्विंग 5.4 इंटू 10 रेस टू 6 न्यूटन पर कूलम अलोंग ओबी. एंड पार्ट बी ऑफ दिस प्रॉब्लम, इफ ए चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.5 10 रेस टू माइनस 9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज. इफ ए चार्ज ऑफ 1.5 10 raised to minus 9 coulomb is placed at this point, then find out force experienced by this charge. Since resultant electric field at O is along the direction OB, that is, it is direction of resultant field, and this charge is negative. We know that the force on negative charge is always at opposite to the direction of the field. So resultant force experienced by this charge will be equal to magnitude of the charge multiplied by strength of electric field. And magnitude of this charge is 1.5 10 raised to minus 9 coulomb multiplied by 5.4 into 10 raised to 6. Net electric force on this charge will be 8.1 10 raised to minus 3 newton. So it is a topic of intensity of electric field due to multiple point charges and numericals based on this topic.